अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू सैफ कहानी चैनल। दोस्तों भाइयों, बहुत शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। ये मुर्गियों को गर्मी के मौसम में अंडों पे कैसे बिठाया जा सकता है और अंडे बाहिफाजत कैसे रखे जा सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, ताकि उनमें अंडे ख़राब ना हों, अंडे से बच्चे पूरे निकलें, फर्टिलिटी पूरी हो, हर सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप पूरे बच्चे कैसे निकलवा सकते हैं इंशाल्लाह, मतलब जो मुर्गी के नीचे अंडे आपने रखने हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एक वीडियो में। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। जो भी पॉइंट होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शुरू में समझ नहीं आती, एंड में आएंगी तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी। नए आने वाले भाइयों से एक रिक्वेस्ट है मेरा भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार प्लीज़ जरूर किया कीजिए। जो मेरे भाई कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, सवाल पूछते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका जवाब भी देता हूं, और साथ में लाइक प्लीज़ जरूर किया कीजिए। दोस्तों आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर, मुर्गी को गर्मियों में कैसे बिठाया जा सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि गर्मियों में बच्चे निकलवाना बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल बात है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा था वीडियो बनाओ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अभी जो मौसम चल रहा है, बच्चे निकल आए तो बहुत बेहतरीन मौसम है, लेकिन मसला इसमें एक बहुत बड़ा होता है कि बच्चे इस मौसम में निकलते बड़े मुश्किल से हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मतलब जून है, आगे जुलाई का महीना है, जुलाई में मतलब इस महीने में मुर्गी बिठाना, अंडे गंदे हो जाते हैं, पड़े पड़े ये मामला सारी चीज़ें। तो पहली बात मैं आपको शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि जो अंडे आपने सेव कैसे करने हैं। पहली बात तो ये है कि अंडे आपने हवादार जगह में रखने हैं। जब भी मुर्गी अंडा दे, फौरन मुर्गी के नीचे से अंडा उठाना है, नमक ले लें ज़्यादा मिकदार में, ठीक है, नमक ले लेना आपने ज़्यादा मिकदार में, खुला बारीक नमक जो है ना आपने ले लेना है। अंडे जो है ना एक बड़ी प्लेट में नमक डाल लें। एक प्लेट के अलावा एक आपको मैं तरीका बताता हूँ जो कुछ लोग समझते हैं या जानते हैं, एक बड़ा जो गलना होता है, गलना समझते हैं, गलना जिसमें हम अचार भी डालते हैं, जिसका बड़ा मुंह होता है, मक्खन भी निकालते हैं, मतलब जो है ना जो हमारा देसी गड़ा होता है, गड़े की तरह का गलना होता है, उसका मुंह थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर आप गलना ले लें, गलने में अगर आप नमक डालें, ये बड़ी सीक्रेट वाली बात है जो मेरे भाई समझ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बेस्ट से बेस्ट तरीका के बच्चे आपके इंशाल्लाह पूरे निकलेंगे, आपका रिजल्ट 100% आएगा। तो बड़े गले में भी आप जो है ना नमक डाल के उसके नीचे अंडे अंडे जो है ना उसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गला नहीं देना चाहते तो एक बड़ी जो होती है, बड़ा कोई भी बर्तन ले लें, खुला बर्तन हो, बर्तन लेके उसमें नमक की कम से कम जो है ना 2 इंच तय लगा लें। नमक बहुत सस्ती चीज़ है, मुफ्त चीज़ है, आराम से आपको मिल जाता है। 2 इंच की तय लगाएं, जब भी मुर्गी अंडा दे उसके ऊपर आके अंडा रखें नमक के ऊपर, और एक जो है ना एक हाथ में थोड़ा सा नमक उठा के एक एक हाथ में अंडे के ऊपर भी हल्का सा डाल दें, अंडा खराब नहीं होगा। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि अंडा हमेशा जो है ना अंडे की जो नोक वाला हिस्सा है वो ऊपर आना चाहिए, जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे हो। अंडा लेटरी साइड पर नहीं रखना, अंडा ऐसे रखना है, पहले खड़ा अंडा रखना है, खड़ा अंडा नमक में आराम से आप रख सकते हैं। जब लेट के अंडा रखेंगे तो फिर ये होता है कि मतलब अंडा गंदा होने के चांस ज़्यादा होते हैं, आपने अंडा खड़ा रखना है, और लेकिन जो नोकीला हिस्सा होता है, उसका बारीक हिस्सा होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, वो आपने ऊपर वाली साइड पर रखना है, तो वो ये होगा, उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अंडा रखते जाएं, थोड़ा सा नमक उसके ऊपर डाल दिया, दूसरा अंडा दे, तीसरा अंडा दे, जो जो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं वो उस प्लेट में ट्रे में रखते जाएँ। तो ये लेकिन जब आपने इंशाल्लाह अंडे आपके ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल अंडे ख़राब नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करें कि जल्द से जल्द मुर्गी जो भी आपकी कुड़ुक हो रही हो उसके नीचे आपने अंडे रख देने हैं मेरा भाई, उसको कुड़ुक बिठा देना है। कुड़ुक बिठाने का भी तरीका बताऊंगा, बच्चे निकलवाने का भी सारा चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो अभी जो आपने मतलब अंडे आपने सेव कर लिए हैं, और कुछ दोस्त पूछते हैं कि जनाब ना इनको फ्रिज में रखें, जो लोग फ्रिज में रखना चाहते हैं उनको भी मैं तरीका बता देता हूं, अंडे उनके भी इंशाल्लाह गंदे नहीं होंगे, बड़ी सीक्रेट वाली बात है ये, लेकिन कुछ भाइयों को पता है कुछ को नहीं पता। दोस्तों को पता तो है कि अंडे फ्रिज में रखते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे रखे जाते हैं अंडे। अगर अंडे आपने फ्रिज में रखने हैं तो मैं उसका आपको तरीका बताता हूँ। आपने एक बर्तन लेना है, प्लास्टिक का बर्तन ले लें, प्लास्टिक का डोंगा ले लें, जो ऊपर से बंद भी हो सकता हो, आपने उसके नीचे एक कपड़े की तह लगानी है, ठीक है, रुई रख ले नीचे, रुई अगर फ्रिज में अंडे रखने हैं तो नीचे रुई की तह लगाएं, ये कपड़ा नीचे डबल करके रख ले, अंडे उसके ऊपर रखें, कपड़े के ऊपर, उसके ऊपर दोबारा कपड़ा डाल दें, कपड़ा डाल के उस बर्तन को आप आराम से, जो आपका खाना होता है वेजिटेबल रखने वाला, जो सबसे नीचे खाना वेजिटेबल होता है, फ्रीजर में नहीं रखना होता, वेजिटेबल वाले खाने में उसको उन अंडों को आप रख सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल खाने में रखेंगे। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि मतलब फ्रिज बहुत ज़्यादा स्पीड तेज ना हो,
ठीक है। लेकिन जब फ्रिज से अंडे आपने निकालने होते हैं तो बड़ी एहतियात करनी होती है, मतलब अगर आप 2-3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूं। अगर आपने मुर्गी बिठानी है रात को मुर्गी बिठानी है, ये आपने नहीं करना कि अंडे फ्रिज से निकाले और डायरेक्ट मुर्गी के नीचे लाके रख दिए, ऐसा करेंगे तो अंडे खराब हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। आपने क्या करना है कि अंडे आपने मतलब बर्तन में रखे हैं, तो अगर फ्रिज में रखे हैं तो नमक वाले पे बाद में आऊंगा, नमक वाले आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रखे हुए हैं आपने अंडे, तो आपने मतलब अगर 2-3 हफ्ते बाद आपने मुर्गी आपके पास कड़ुक है तो, या आपने इंक्यूबेटर में अंडे रखने हैं, तो अगर आपने शाम को अंडे रखने हैं तो सुबह के टाइम अंडे फ्रिज से निकाल लेने हैं, लेकिन अंडे निकाल के आपने हवादार पंखे में रखने हैं, धूप में नहीं रख देने अंडे, क्योंकि उसकी टेम्परेचर हमने बराबर लाना होता है, जो बाहर हवा का टेम्परेचर है और उसके अंदर से जो नमी अंदर फ्रिज की ज्यादा गई होती है वो नमी खत्म हो जाती है मेरे भाई, वो नमी खत्म हो जाती है मतलब जो उसकी ज्यादा, तो बाहर रखने से तो ये होगा कि वो मतलब अंडे की स्किन वगैरह जो है ना हर चीज अपनी जगह पे आ जाएगी। तो अंडे जगह पे आ गए, सुबह आपने निकाले हैं अंडे, शाम तक वो अंडे आप क्या कर सकते हैं, मतलब शाम तक आप उनको कम से कम जो है ना 3 से 4 घंटे, 4 से 4 घंटे का उनको टाइम देना है, ये नहीं है कि 2 दिन पहले आप निकाल के रख दें, 4 घंटे का टाइम दे दें, 5 घंटे का, 4-5 घंटे का, इस तरह को टाइम दे के आपने शाम को अंडे मुर्गी के नीचे वो रख देने हैं। लेकिन आप मुर्गी बिठाने का मसला है कि सब दोस्त पूछते हैं कि मतलब गर्मियों में मुर्गी कैसे बिठानी चाहिए, तो दोस्तों गर्मियों में सबसे बेहतरीन जो तरीका है मुर्गी बिठाने का वो ये है कि आपने मुर्गी को रेत पे बिठाना है या मिट्टी पे बिठाना है, ठीक है। भूसा में रिकमेंड नहीं करता भाई गर्मियों में, गर्मियों में भूसा आप रखेंगे मुर्गियों के नीचे तो भूसे की हीट बहुत ज्यादा होती है, उससे अंडे गंदे होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने अंडों को फ्रिज में ना रखें, जूं ही मुर्गी अगर आपने थोड़े टाइम के लिए रखने हैं तो अंडों को बाहर हवादार जगह में नमक के ऊपर रख ले, नमक में छांव जरूर होनी चाहिए, तो अंडे को धूप ना लगे मेरा भाई, अंडे आपने धूप में ना हो, आपने उनको नमक में रखते जाए, नमक में स्टॉक कर ले बर्तन में और आराम से छांव वाली जगह पे, जिधर मतलब कुछ ऐसी जगह हो जिधर धूप ना डायरेक्ट पड़ती हो उधर आपने अंडे स्टोर करने हैं, ठीक है। ठंडा कमरा कोई भी हो उसमें अंडे आप स्टोर कर लें, जब मुर्गी बिठानी है आप मुर्गी के, लेकिन मुर्गी के लिए मेन अब जो बात आ गई है मिट्टी और रेत वाली आ गई है। दोस्त मेरे जो सिंध में है वो तो रेत पर भी बिठाते हैं मुर्गियों को, पंजाब में भी रेत पर हम बिठाते हैं मुर्गियों को, बच्चे माशाल्लाह निकाल देती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप रेत और मिट्टी थोड़ी सी मिक्स कर लें, ठीक है, रेत और मिट्टी मिक्स कर लें, उसके ऊपर एक कोने में आपने ईंटें थोड़ी सी लगा के जगह बना लेनी है, जगह मतलब एक कोने में जगह बना लें, जगह बना के उधर आपने अंडे रख देने हैं, ठीक है, उधर आप मुर्गी बिठा दें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बच्चे आपके निकलेंगे। मिट्टी और रेत में बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है, गर्मी जितनी मर्जी हो लेकिन जो खुड्डा आपने मुर्गी को आप देना है खुड्डा भी बड़े बेहतरीन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि मुर्गी का खुड्डा जो है वो हो ऐसा कि मतलब जो है ना उधर गर्मी सख्त पड़ रही हो, ठीक है, गर्मी सख्त पड़ रही हो तो फिर फायदा नहीं है ना, मतलब ये है कि आपने मुर्गी का जो खुड्डा है धूप में हो उधर आप मुर्गी बिठा दें, मुर्गी तो बेचारी मर जाएगी, मुर्गी तो मर जाएगी क्योंकि हीट उतनी होगी, लेकिन आपने मुर्गी को ठंडी जगह पे बिठाना है। आपने देखा अगर आपका कमरा है या कोई भी ऐसा कमरा है जिधर आप ठंडी जगह है उधर अगर आप बर्तन भी रखना चाहते हैं, एक तगारी में अंडे रख सकते हैं, तगारी समझते हैं डगा, जो तगारी कोई भी चीज हो उसमें आप मट्टी रेत डाल लें, डाल के मुर्गी को ठंडी जगह पे मतलब कमरे के अंदर या चरपाई के नीचे या किसी जगह पे, लेकिन हवादार जगह होनी चाहिए, उसके अंदर आपने मुर्गी को बिठाना है, ठीक है। अब उस मुर्गी को जो गर्म जगह वाला खुड्डा है या जो सामने धूप वाला खुड्डा है, अगर खुड्डा दरख्तों के नीचे है तो आप उधर बिठा सकते हैं, या जगह कोई भी ऐसी होनी चाहिए जिधर मुर्गी को हवा लगे, वरना मैं एक और आपको चीज बताता हूँ, मुर्गियां मर जाती हैं इस मौसम में, लोग बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं इस मौसम में, गर्मी में मुर्गी बिठा देते हैं, बात मुर्गियां इतनी असील होती हैं, इतनी अच्छी मुर्गियां होती हैं कि वो मुर्गियां उठती ही नहीं है 5-6 दिन, तो उनको अपनी भी हीट मिल रही होती है, नीचे अंडों पे ह्यूमिडिटी पैदा कर रही होती है, तो वो अपनी गर्मी की वजह से वो पानी भी नहीं पीती और मर जाती हैं। उसमें 2-3 चीजें एहतियातें हैं, मैं आपको सारी बताऊंगा। आपने सबसे पहले ये करना है कि सुबह रोजाना मुर्गी को ऊपर से उठाना है, उठा के जनाब उसको बाहर छोड़े थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए, वो अपनी बीट वगैरह कर लेगी, तो बीट का नुकसान ये होता है कि अगर मुर्गियों को आप बिठाए रखते हैं ऊपर, वो जो मुर्गियां उठाते नहीं है हम, तो बाद में उनको बीट इतनी ज्यादा आ जाती है कि वो अंडों के ऊपर कर देती हैं, जब अंडों के ऊपर बीट करती है तो अंडे गंदे हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। भाइयों को पता है कि अंडों के ऊपर जो बीट लग जाती है तो फिर अंडों का टेम्परेचर जो है ना ड्राप हो जाता है, मुर्गी टेम्परेचर पूरा नहीं कर सकती, तो क्या होता है कि अंडे गंदे हो जाते हैं, तो उससे बचाना है। आप रोजाना अगर मुर्गी को सुबह उठाएंगे तो जितना उसने इकट्ठा किया हुआ होता है ना माल, वो एक ही बार निकाल देगी, सुबह के टाइम में आपने उठाया 2-3 मिनट मुर्गी को बाहर छोड़ेंगे, वो मुर्गी अपनी बीट वगैरह करेगी, साथ में फिर दाना पानी उसका पड़ा हुआ उधर ही वो फौरन 1 मिनट में खा लेगी, खाया मुर्गी को उठा के दोबारा वापस उसके अंडों के पास छोड़ दें।
जो मेन चीज आपको बताने वाला हूं, कुछ चीजें मैंने इसलिए बताता हूं कि बंदे को एक सीक्वेंस में जरा मुश्किल होता है तो चीजें मिस हो जाती हैं। जिस जगह मुर्गी को बिठाना है उसी का डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस मतलब ये है कि उधर शोर शराबा ना हो, उधर बच्चों का ज्यादा आना जाना ना हो, बच्चे उसको छेड़े ना, बार बार उठा के नीचे ना देखेंगे मुर्गी क्या कर रही है, अंडों से बच्चे निकले हैं या नहीं निकले, या मतलब कुत्ता या बिल्ली को, इस तरह का मुर्गी को डर ना हो। ठीक है, ये चीज का भी आपने एहतियात करनी है कि मुर्गी की, उससे बेहतर है कि आप ऐसी क्वाइट जगह और जगह, मतलब जिधर शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह पे आपने मुर्गी को बिठाना है। इंशाल्लाह एहतियाती है, मैं साथ साथ में वीडियो में आपको बताता जाता हूँ और बच्चे आपके गारंटी से निकलेंगे। लेकिन आपने सारे पॉइंट ये टिक करने होते हैं, कोई चीज भी मिस करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो ये बड़ा प्रोसेस होता है तो खराब हो सकता है। तो आपको मैंने बता दिया मुर्गी बिठानी कैसे है, मट्टी रेत पे बिठानी है। आगे मैंने बता दिया कि मुर्गी को सुबह और शाम के टाइम पे उठा के दाना पानी पिलाना है। लेकिन एक चीज, मुर्गी के पास भी आप जिधर आपने मुर्गी बिठाई है थोड़ा सा हटा के आप दाना और पानी बर्तन में रखना है। एक चीज भाई लाजमी, इस मौसम में पानी मुर्गी के पास हर वक्त मौजूद होना चाहिए, मतलब उसके बर्तन से जितने वो बैठी हुई अंडों से थोड़ा सा हटके ताकि मुर्गी देख सकती है, जब भी उसका दिल करे मुर्गी आके पानी पी ले। ठीक है, जब भी उसका दिल करे पानी पी ले। गर्मी में जो लोग मुर्गियां बिठाते हैं उसका आपने देखा होगा, बार दफा मुर्गियां खड़ी हो जाती हैं उठ के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुर्गियों को हीट लगती है, देखती है वो नीचे हीट ज्यादा हो गई है वो खड़ी हो जाती है, अंडों को भी थोड़ी हवा लगती है और अपना वो बैलेंस कायम कर लेती है। लेकिन ज्यादा नुकसानदेह होता है, ज्यादा देर मुर्गी का खड़ा होना ये अच्छी बात नहीं होती। दूसरी चीज, अगर मुर्गी के आपने अगर उसके पिंजरे के आगे अगर आपका खुट्टा है तो उसके आगे कोई पतला पर्दा लगा दें। ठीक है, पतला पर्दा लगाएं, ज्यादा मोटा बोरी वगैरह नहीं लगानी क्योंकि उससे सांस बंद हो जाएगा। पतला पर्दा लगाएं ताकि उसके अंदर थोड़ा अंधेरा जितना होगा उतना ज्यादा होगा। जितनी अंधेरे में आप मुर्गी बिठाएंगे ना, कोई छोटा पिंजरा हो, कोई जगह हो जिधर मुर्गी आप बिठाएं, जितना अंधेरा होगा उतना मुर्गी के लिए मुफीद है। लेकिन इतना ना हो, मतलब मुर्गी को हवा जरूर लगनी चाहिए। सर्दियों में तो आप उसको गुप कर दें, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गर्मी में उसको हवादार जगह चाहिए, अंधेरा भी हो हवादार भी हो, ये आपने डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपने मुर्गी बिठानी है। जब अभी आपके जो दिन मतलब लगाना है पानी दाना, उसको चेक करते रहे, उसको मतलब जो है ना रूटीन से दाना पानी मिलता रहे। एक चीज आपने और करनी है, जब मुर्गी के दिन पास आ रहे हो मुर्गी को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना। हम भाइयों को बड़ी परेशानी होती है कि हम बार बार देखते हैं कि बच्चे निकले या नहीं निकले, दिन हमें याद नहीं होते, दिन लिख लिया करें, लिख लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, बच्चे निकले या नहीं निकले। आखिरी 3 दिन जो है ना लॉकडाउन होता है उसके दौरान मुर्गी बच्चे निकाले या ना निकाले, आपने मुर्गी को उठा के नीचे नहीं देखना होता। मेरे भाई, बहुत भाइयों को परेशानी होती है, मेरे भाई जो है ना, ये जो भाई देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा भाई बच्चे निकल आए, 3 दिन तक बच्चे कुछ ना खाएं, मेरी गारंटी है बच्चों को कुछ नहीं होगा। 3 दिन तक बच्चों को कुछ नहीं होता, उनके अंदर माँ का जो सिस्टम होता है, खुदा का, खुदा अल्लाह पाक ने जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें इतनी खुराक उनके पेट के अंदर मौजूद होती है कि वो 3 दिन कुछ भी ना खाएं, तो पानी भी ना पिए, खुराक ना खाएं, जो बच्चा ताजा चूजा पैदा होता है उसको कोई परवाह नहीं होती। आपने देखा होगा कि फार्मोशेडों में जो चूजे होते हैं पैदा होते हैं तो 2-3 दिन वो ट्रैवलिंग में होते हैं, उसके बाद जुआरें जाके वो कहीं उनको जाके फार्मो पे फीड मिलती है, तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हुए हैं। मैं खुद जो बच्चे मेरे निकलते हैं 1-2 दिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उनको देखता हूँ, बच्चे सारे इकट्ठे जब निकल आए फिर उनको उठाता हूँ। बार दफा ये होता है कि हमारी मुर्गी ने 3-4 बच्चे निकाले होते हैं, हम कहते हैं कि मुर्गी ने अंडे गधे कर दिए, मुर्गी उठा देते हैं, अंडे नीचे होते हैं जो बाकी वो भी मर जाते हैं, या मुर्गी को उठा के जब बार बार देखते हैं नीचे अंडों की जल्द, उस वक्त ह्यूमिडिटी मुर्गी ने बढ़ाई हुई होती है बहुत ज्यादा, वो आस्ता आस्ता करके एक बच्चा आज निकला है, दूसरा बच्चा शायद परसों निकले, ये भी चीज याद रखें। बच्चे इकट्ठे नहीं निकलते, एक टाइम हो गया जनाब टिक 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 सारे बच्चे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। बच्चे मतलब टाइम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद निकलते हैं, 3 दिन तक बच्चे निकलते रहते हैं, 18 दिन से शुरू होते हैं और जो है ना वो मतलब 21-22 दिन तक जा सकते हैं। गर्मियों में ये होता है कि बार दफा मुर्गियां बच्चे जो है ना जल्दी निकाल देती हैं, 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन बाद ही बच्चे निकाल देती हैं, क्योंकि हीट की वजह से। हमारे मुल्क में ये ज्यादा होता है कि मतलब 21 दिन ही लगते, पहले 16-17 दिन में, 18 दिन में मुर्गियां बच्चे निकाल देती हैं क्योंकि अंडों को ऑलरेडी हीट मिली होती है। तो ये लेकिन एक चीज, जब तक मुर्गी खुद ना अंडों से उठ जाए, आपने मुर्गी को नहीं छेड़ना। 5 अगर 12 अंडे रखे हैं, 5 से बच्चे निकल आए हैं तो आप कहेंगे यार मुर्गी उठा दो, बच्चे भूखे होंगे या ऐसा होगा, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने मुर्गी को उधर रहने देना है, ये मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, वरना जो बच्चे अंडों के अंदर बने हुए हैं वो मर जाएंगे। आप उनको और फिर कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है, कहते हैं कि असी हम मुर्गी को जो है ना मदद करते हैं अंडा तोड़ के उसका छिलका उतारने की। मेरा भाई, इंक्यूबेटर में भी बच्चे निकलवाता हूं, मेरी अगली वीडियो इंक्यूबेटर के ऊपर है, तो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करते हम, बच्चा खुद ब खुद निकलता है इंक्यूबेटर से, कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती। अल्लाह पाक का ये निजाम है, अल्लाह पाक ने उन्हें बनाया,
बच्चा खुद भूत निकलता है। वैसे मुर्गी पास हो तो वो हल्का फुल्का छेड़ती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन आपने छिलका नहीं उतारना। आप जब भी छिलका निकालेंगे बच्चा मर जाएगा, क्योंकि उसकी जब अंडा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जब अंडा वो थोड़ा सा टूटता है पहले उसकी नोक जब थोड़ी सी बढ़ती है, वो जिस जगह से टूटता है हल्का सा, अंदर हवा लगना शुरू होती है, उसकी जो वेन्स होती है ना वो अभी अंडे के साथ चिपकी होती है, आपने देखा होगा अंडों के साथ अंदर खून लगा होता है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वो वेन्स होती हैं जो बाहर से वो खुराक ले रहे होते हैं, तो वो वेन्स खुश्क, वो जब तक खुश्क ना हो आप उसको अगर खोलेंगे तो वो बच्चे सारे मर जाएंगे। इस चीज का आपने खास तौर पर एहतियात करनी है कि जब तक मुर्गी फुल खुद अंडों से बिल्कुल उठ ना जाए, बच्चे को निकाल के सारे आपने नहीं, क्योंकि अगर अगर आपने 20 दिन पहले वेट कर लिया 21 दिन, तो एक दो दिन और वेट कर लेंगे क्या जाएगा आपका। लेकिन मुर्गी को पता होता है कि जिन बच्चों में जान होती है अंडों में, उसको पता होता है इसलिए वो नहीं उठती। लेकिन हम जब एक चीज आपको बताना, जब उठ मुर्गी को बार बार उठा के देखते हैं नीचे कितने बच्चे निकले हैं, तो वो नुकसान हम कर रहे होते हैं। नुकसान ये होता है कि जो अंडा होता है इसकी जल्द नरम हुई हुई है, फिर उसको जब आप जूं ही उठाएंगे वो अंडा सख्त हो जाता है, जब वो सख्त हो जाता है फिर मुर्गी भी उसको नहीं तोड़ सकती। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी देने का यही मकसद होता है। मुर्गी जब आखिरी 3 दिन होते हैं ह्यूमिडिटी इसलिए बढ़ाती है मुर्गी अपनी कि अंडे की जल्द नरम हो जाए, बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। जब हम बार बार उठाते हैं अंडे को हवा लगती है, वो नुकसानदेह होता है, अंदर बच्चे जो है ना बने हुए मर जाते हैं क्योंकि अंडा वो स्किन तोड़ नहीं सकता, तो बच्चे मर जाते हैं। मेरे भाईयों कोशिश की है मैंने कि आपको सारे पॉइंट बताने की, 3 दिन जो है ना ये आपने लास्ट में मुर्गी को नहीं छेड़ना, इंशाल्लाह ताला बच्चे पूरे निकलेंगे। जो मेरी दूसरी वीडियो आ रही है आप उसको जरूर देखिएगा, नई आने वाली वीडियो बच्चों की खुराक, बच्चों का तरीकाकार, में साथ में वीडियो अपने जो मैंने बच्चे निकलवाए हैं अभी वो भी शेयर करूंगा आपको, साथ में बताऊंगा कि मैं बच्चों को क्या दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मुर्गी के बगैर ही बच्चे पालने का तरीकाकार मेरी अगली वीडियो आ रही है, बिल्कुल मुर्गी के बगैर आप मुर्गी से बच्चे निकलवा लें बाद में मुर्गी हटा दें, इनक्यूबेटर से बच्चे निकलवाएं बाद में जनाब उनको इकट्ठा कर दें, या मुर्गी बच्चे आराम से आप ज्यादा पाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको आसान और सादा तरीके बताऊंगा, जो पुराने टोटके हैं उनको भूलकर मैं आपको बेहतरीन और इंशाल्लाह ताला सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है कि आपकी टेंशन कम हो, असील का शौक ज्यादा हो, असील बढ़े, जितने आपके ज्यादा बच्चे होंगे इंशाल्लाह उसका फायदा होगा। ठीक है, तो मेरा मकसद ही वीडियो में इसलिए बनाता हूँ, कम बनाता हूँ लेकिन वो वीडियो काम की बनाता हूँ, मैं इसलिए बनाता हूँ कि आपका कोई फायदा हो, काम की बात करो, वैसे आके गप्पे मारने का क्या फायदा है। तो मेरा भाई वीडियो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, जो मेरे भाई देख रहे हो वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दूसरी आने वाली वीडियो जो है मेरी लाजमी देखिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में। सैफ कियानी, मैनचेस्टर यूके।